हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास और अलग तरीके की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है। हम यहाँ पे अब सरसों का तेल लेंगे। देखिए तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे छोटे तेज पत्ता, छोटे छोटे 2 दालचीनी के 2 टुकड़े। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। हम इन सबको अच्छे से चला देंगे। इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज का पेस्ट डाला है। इसको हम ब्राउन होने तक बढ़िया से भूनेंगे। अब इसमें हम अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हमने टमाटर की अपनी प्यूरी तैयार करके रखी है, वो डालेंगे। हमने इसमें लिया है 2 टमाटर हैं, 4-5 लहसुन की कलियां हैं, 1/2 इंच अदरक है, 2 हरी मिर्च है। इसको हम इसमें डाल के अच्छे से हमें इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। ये हमारा जब अच्छे से पक जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है। हमने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया हुआ है। ये हमारा नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच अजवाइन लिया हुआ है जिसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन का भी बहुत अच्छा काम करती है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्वाद के लिए हींग डालेंगे। आप चाहे तो कलौजी भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी मीठा सोडा हमने 1/2 चम्मच लिया है। खड़ी कुटी हुई धनिया, थोड़ा सा स्वाद के लिए लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया हुआ है, 1/2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए डालेंगे। हमने यहाँ पे 200 ग्राम मेथी लिया हुआ है जिसे हमने अच्छे से धुल के काट लिया है। अब इसमें से हम आधी से ज़्यादा मेथी इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा सा हम रोक लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल डो बन के तैयार है। अब हम हाथों में ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसे छोटे छोटे गट्टों का शेप देंगे। देखिए हमारे गट्टे यहाँ बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कढ़ाई की तरफ चलेंगे। पहले हम गैस को ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे 2 चम्मच दही ली हुई है। अगर आपके पास खट्टी दही हो तो इससे थोड़ी कम ही मात्रा में डालिएगा, लेकिन हमारी दही खट्टी नहीं है तो इस वजह से हमने पूरे 2 चम्मच लिए हुए हैं। हमारा मसाला थोड़ा सा गर्म हो जाए
फिर इसमें हम ये दही डाल देंगे और इसको हमें जल्दी जल्दी फेंटना है। ये देखिए हमारी दही पक चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए मसाले हमारी बिल्कुल पक चुके हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें जो हमारी बाकी की बची हुई मेथी थी हम उसको डाल देंगे। ये देखिए मेथी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ चुके हैं। अब हम अपने बनाए हुए गट्टों को इसमें डाल देंगे और इन्हें हम 4 से 5 मिनट तक बिना ढके पकने देंगे। ध्यान रहे इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ये गट्टे हमारे बिल्कुल फूल के ऊपर आ गए हैं। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इनको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इस विधि से ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।